कैसे हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपको एडोबी ऑडिशन के बेस्ट अल्टरनेट के बारे में बताऊंगा। और ये एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है और यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। और साथ ही में आप इसे कमर्शियली भी फ्री में यूज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑडासिटी। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको सर्च करना है ऑडासिटी, और वहां से आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मैक ओएस पर भी फ्री में अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले अभी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करेंगे। माइक्रोफोन पर क्लिक करके आप इसका इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से माइक्रोफोन रियलटेक ऑडियो को सेलेक्ट कर लिया है, जो कि हमारा माइक है। अब टेस्ट करने के लिए हम क्लिक टू स्टार्ट मॉनिटरिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं। अब इसे हम डिसेबल कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है, जो कि है मोनो और स्टूडियो। तो आप यहाँ से मोनो और स्टूडियो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्टूडियो को सिलेक्ट कर लिया है। साथ ही में यहाँ पर ऑडियो आउटपुट भी दिया जाता है, तो आप यहाँ से ऑडियो आउटपुट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके डिफॉल्ट सिस्टम के सेटिंग्स को यूज नहीं करता है, आप यहीं से सेटिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया बेसिक सेटिंग्स। इसमें फाइल इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर फाइल्स पर क्लिक करके, ओपन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ऑडियो फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर सेव प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर आप किसी ऑडियो पर वर्क करते हैं और आपको अपना सिस्टम बंद करना है, तो आप उस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। बाद में उसी प्रोजेक्ट को यूज करके आप फिर से एडिटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, अगर आप एज अ प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो आप उसको किसी और सॉफ्टवेयर में यूज नहीं कर पाएंगे। आपको ऑडासिटी ही यूज करना होगा उसे MP3 या फिर WAV फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसके बेसिक सेटिंग्स के बारे में। अब आ जाते हैं एडिट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर वो सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जिनका आप यूज करेंगे एक ऑडियो फाइल को एडिट करने के लिए। जनरली आप इन शॉर्टकट्स का यूज करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा एक ऑडियो फाइल को एडिट करने के लिए। यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप इन सब ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं इस ऑडियो फाइल को प्ले करके दिखाऊंगा कि ये ऑडियो फाइल कैसा है। कैसे है फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑडियो सैंपल। और इसी ऑडियो आप यहाँ पर क्लियरली सुन सकेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइस है। तो अब हम इस बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वो नॉइस वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है। तो मैंने इस नॉइस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इफेक्ट में आ जाएंगे और इफेक्ट पर आने के बाद नॉइस रिडक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर पूरे ऑडियो फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इफेक्ट में जाके रिपीट नॉइस रिडक्शन करेंगे। इससे क्या होगा, जो नॉइस रहेगी वो कैंसिल हो जाएगी। कैसे है फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑडियो सैंपल। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि काफी हद तक नॉइस रिड्यूस हो गई है, लेकिन हमें ये फिर से करना होगा। तो हम फिर से एक पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर से इफेक्ट में जाएंगे और नॉइस रिडक्शन में गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से इस पूरे ऑडियो ट्रैक को सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट में जाके रिपीट नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करेंगे। कैसे है फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑडियो सैंपल। और इसी ऑडियो को यूज करके हम इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड में ऐसी कोई नॉइस है जो कंटिन्यूअसली रिपीट होती है, तो आप उसको इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि किसी फैन का नॉइस होता है, तो आप ऐसे नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आप कैसे नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपके ऑडियो में ट्रेबल और बूस्ट को एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेबल एंड बूस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे ऑडियो फाइल को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करके पूरे ऑडियो फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ए को प्रेस करके इस पूरे ऑडियो ट्रैक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट में आ जाना है और फिर यहाँ से फिल्टर कर्व को ओपन कर लेना है और फिर मैनेज पर क्लिक करना है और यहाँ से फैक्ट्री प्रीसेट्स में ट्रेबल बूस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके आवाज में ट्रेबल कम है, तो आप यहां से ट्रेबल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने ट्रेबल को एडजस्ट कर लिया है अपने ऑडियो के हिसाब से। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे।
अब फिर से हम इस ऑडियो फाइल को प्ले करेंगे। कैसे है फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑडियो सैंपल और इसी ऑडियो को यूज करके हम इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेबल एडजस्ट हो गया है, अब हम बेस को एडजस्ट करेंगे। इसके लिए इस पूरे ऑडियो ट्रैक को सेलेक्ट करेंगे और फिर इफेक्ट में जाके फिल्टर कर्व में आ जाएंगे। मैनेज में फैक्ट्री प्रीसेट्स के अंदर बेस बूस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपके ऑडियो में बेस बहुत कम है तो आप यहाँ से बेस को एडजस्ट कर लेंगे। मैं अपने वॉइस के हिसाब से बेस को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने वॉइस के हिसाब से बेस को एडजस्ट कर लिया है, अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। कैसे है फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑडियो सैंपल और इसी ऑडियो को यूज करके हम इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस ऑडियो सैंपल में बेस और ट्रेबल को एडजस्ट कर लिया है। अब हम इस पूरे ऑडियो को नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने से क्या होगा, जो हाईज और लोज है आपके वॉइस में वो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम इफेक्ट पर आएंगे और यहाँ से नॉर्मलाइज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट -0.5 dB रहेगा, तो मैंने इसको 1 dB कर दिया है अपने हिसाब से। तो आप भी अगर चाहे तो इसे -1 dB करके ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको -0.5 dB ट्राई करना है। अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरी वॉइस अब एडजस्ट हो गई है। कैसे है फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑडियो सैंपल और इसी ऑडियो को यूज करके हम इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि आप इसे नॉर्मलाइज कैसे करेंगे। कई बार क्या होता है, आपके कुछ ऑडियो ट्रैक के पार्ट में आपका वॉइस कम होता है और बाकी जगह बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जिसकी वॉइस आप इंक्रीज करना चाहते हैं। तो मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इफेक्ट में आएंगे और यहाँ से बेस एंड ट्रेबल को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर बेस एंड ट्रेबल को 0-0 कर देना है। फिर यहाँ से वॉल्यूम डीबी को इंक्रीज करके कर देना है 1। अब अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑडियो पार्ट एडजस्ट हो रहा है। तो आप ऐसे ही करके इन सब पार्ट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ पार्ट का ऑडियो बहुत ज़्यादा है तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये पार्ट का ऑडियो बहुत ज़्यादा है तो मैं इसे डिक्रीज कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब ये एडजस्ट हो चुका है। अब हम इसे फिर से प्ले करके दिखाएंगे। कैसे है फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑडियो सैंपल और इसी ऑडियो को यूज करके हम इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। तो आप क्लियरली सुन सकते हैं थ्रू आउट द ऑडियो कहीं भी वॉइस कम ज़्यादा नहीं है, एक प्रॉपर वे में है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस सॉफ्टवेयर को बेसिकली यूज कैसे करना है और आप इसे बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, ये आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। अब आप इस ऑडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके WAV वाला फॉर्मेट ही सेलेक्ट करना है, या फिर आप चाहे तो MP3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे नेम दे देंगे Sample 1 और इसे सेव कर देंगे। और यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे आर्टिस्ट नेम, आप यहाँ पर अगर चाहे तो इन डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऑडियो फाइल यहाँ पर आ गया है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने स्टार्ट किया है PC Wars। PC Wars में अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो मिल जाएगा आई बटन में, जरूर से एक बार वीडियो को चेकआउट कीजिए। PC Wars में हम आपके PC का सेटअप डिस्प्ले करेंगे, आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर से एक बार चेकआउट करना बनता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और PC रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।